पहले तो शुरू शुरू में तो चालान बनाने का काम करती थी, वे चालान भी बनाते थे अपने पे। अब तो कोई ट्रैफिक वाला खड़ा ही नहीं होता इधर, है ही नहीं। कायदे से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान बाटा तिराहे पर यातायात बंद। ट्रैफिक पुलिस नहीं होने से रूट डायवर्ट के दौरान जगह जगह दिखे जाम के हालात। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के लिए गुरुवार को बाटा तिराहे पर स्टील गार्डर रखने के लिए यातायात को डायवर्ट किया गया। लिहाजा स्टेशन रोड पर इंदिरा गांधी स्मारक से लेकर बाटा तिराहे तक ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहा। मार्टिनल ब्रिज से स्टेशन की ओर जाने वाले लोग बाटा तिराहे से केसरगंज पड़ाव होते हुए स्टेशन जा सकेंगे। वहीं स्टेशन से मार्टिनल ब्रिज जाने वाले लोग मोइनिया इस्लामिया स्कूल के पास वाली गली से केसरगंज होकर मार्टिनल ब्रिज जाएंगे, लेकिन इस ट्रैफिक डाइवर्ट व्यवस्था की पालना कराने के लिए किसी भी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नहीं दिखी, जिसके चलते दिन भर जाम के हालात बने रहे। वैसे भी बाटा तिराहे पर मार्ग संकरा हो जाने की वजह से रोजाना जाम के हालात बने रहते हैं। वन वे तो कर दिया, लेकिन केसरगंज से आने वाला ट्रैफिक जो है बाटा की तरफ न जाके मार्टिन ब्रिज की तरफ आता है, तो आए दिन जाम की स्थिति बनती है। वैसे ही सड़क तो चौड़ी तो कम हो गई। कायदा यह है कि केसरगंज से निकलने वाले आदमी को बाटा के सामने से घूम के उधर जाना होता है, लेकिन नहीं, वो केसरगंज से निकल के मार्टिन ब्रिज की तरफ इसी लेन के अंदर आ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस पहले तो शुरू शुरू में तो चालान बनाने का काम करती थी, भी चालान भी बनाते थे अपने पे। अब तो कोई ट्रैफिक वाला खड़ा ही नहीं होता इधर, है ही नहीं। कायदे से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए कि भाई वो उधर से डाइवर्ट कर। पब्लिक तो शॉर्टकट निकालेगी, पब्लिक की गलती नहीं है। पब्लिक तो यही चाहेगी कि भाई उधर इतना लंबा ना घूम के शॉर्टकट से निकल जाऊं, लेकिन शॉर्टकट में हम तो सामने देखते हैं कई बार आपस में वाहन टकराते हैं, आपस में रगड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक जाम। अभी परसों के दिन रॉन्ग साइड से दो गाड़ियां आ गई, उधर से एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस काफ़ी देर तक सायरन बजाती रही, वापस दोनों गाड़ियों को पीछे ली जब तक वो एम्बुलेंस धीरे धीरे। तो ऐसे तो आए दिन होगा, ये तो दिन में कितनी बार एम्बुलेंस निकलती है। स्थानीय व्यापारियों व दुकानदारों ने जिला प्रशासन व स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों पर अदूरदर्शिता व लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। दिन भर धूल मिट्टी फांकते रहते हैं, ग्राहक रुक नहीं सकता, ऐसे में व्यापार 30% रह गया है, खर्चा निकालना भी बड़ा मुश्किल है। केसरगंज से मार्टिन ब्रिज जाने वाले रास्ते पर जब तक कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़ा नहीं होगा तब तक कोई यातायात नियमों का पालन नहीं करेगा। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। मेन कारण क्या है कि ये जो रोड बनाई, ये जो अपना पुल बनाया गया है ना, इसको निश्चित रूप से पहले जिस तरीके से बनना था उस तरह से नहीं बना है और ये पब्लिक के लिए और आम दुकानदारों के लिए और आम पब्लिक के लिए बड़ा परेशान का कारण बन गया है। क्योंकि एक तो दुकानदारों के पास में इतनी जगह नहीं है कि वो उनके ग्राहक आके अपनी जो है वो अपनी जो है खरीदारी कर सकें, पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा, ये जो काम चल रहा है ये दिन के समय ना होकर अगर रात के समय होता तो बेहतर होता, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रॉन्ग साइड में चलने वाले जो है काफ़ी चलते हैं, उनको हम रोक नहीं पाते हैं और अगर रोकने की कोशिश भी करते हैं तो वो जो है अपनों में झगड़ा करने लग जाते हैं। ट्रैफिक वाले भी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक वाले भी कब तक खड़े रहेंगे। मैं आम पब्लिक, मैं आम सेवक हूँ, जनसेवक हूँ,
मैं कम से कम 25 साल से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा, कोई मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जाता कोई। और दूसरा क्या है, आज जो है वन वे भी नहीं किया है, दोनों साइड बंद कर दी है, काम चलने के कारण से दोनों साइड बंद कर रखी है, इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना तक हो सके इसका जो है समाधान शीघ्र निकाला जाए, ताकि पब्लिक ज़्यादा परेशान ना हो। और पब्लिक परेशान होने से क्या है कि कई बार कन्फ्यूज़ में जो है लोग गलत साइड में आ जाते हैं और ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना तक हो सके ये कार्य रात के समय में कराया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रात के समय में पब्लिक कम होती है और जो है उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, काम करने वालों को स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। इस चीज़ की कि हमारे धंधे की तो चौपट हो गया, क्योंकि कस्टमर रुक ही नहीं पाता, इधर से ट्रैफिक, उधर से ट्रैफिक, इधर से ट्रैफिक, यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला है कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है कि इस रोड की हालत क्या है। शाम से शाम तक मिट्टी इतनी फांकते हैं हम अपने रहते हुए कि घर जाते हैं तो घर वाले पहचानने से मना कर देते हैं कि आप आए कौन। आज बंद कर दिया तो और ज़्यादा सत्यानाश हो गया। वन वे कहाँ है सर, ये तो थ्री वे है, ये तो थ्री वे है, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं ना, आप उस साइड से भी आ रहे हैं, उधर से, ये तो चौरस्ता बन गया, सिंगल रोड पर चौरस्ता है, ये पुल की वजह से ही तो बंद हुआ होगा और काहे से हुआ।